नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे सारंगढ़ से बड़ी खबर की। रायकोना के शिवा साहू पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरसीवा पुलिस ने शिवा साहू के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी शिवा साहू अब भी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली गई है। पैसे डबल करने के नाम पर लोगों से ये लेता था लाखों रुपए। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। बड़ी खबर सारंगढ़ से, जहां पर रायकोना के शिवा साहू पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान सरसीवा पुलिस ने शिवा साहू के पिता और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी शिवा साहू अभी भी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 12 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं और पैसे डबल करने के नाम पर ये लोगों से लेता था लाखों रुपए। और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सारंगढ़ से। धोखाधड़ी के आरोपी पर एक ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा तो करेगी, पूरी डिटेलिंग बताएगी। और यहां सारंगढ़ में धोखाधड़ी के आरोप में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। रायकोना के शिवा साहू पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ा एक्शन लिया गया धोखाधड़ी केस में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कारण ये था कि जो शिवा साहू है सारंगढ़ सरसीवा रायकोना के रहने वाले, उन्होंने लगभग सैकड़ों लोगों से पैसे डबल करने को लेकर शेयर मार्केट और बिटकॉइन के माध्यम से पैसे डबल करूंगा ऐसा कर लगभग करोड़ों रुपए लिए थे। और ये तब चर्चा में आए जब रातों रात करोड़पति बन गए। इनके पास लगभग 30 लग्जरी गाड़ी, चाहे थार हो, मर्सिडीज हो, और कई बुलेट, कई ट्रैक्टर हैं, लगभग करोड़ों की गाड़ी इनके पास थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज तब किया था जब शक्ति निवासी को इन्होंने 2 करोड़ रुपए डबल करने का झांसा मिल गया था। हालांकि पैसे डबल हुए नहीं। उसके बाद इन्होंने सरसीवा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, 1 महीना पहले की बात है। न्यूज 18 ने इसकी प्रमुखता से उनके गांव में जाकर खबर भी चलाई थी। तब ये था उस समय शिवा साहू जब रिपोर्ट दर्ज करी तब फरार था। हालांकि जब सरसीवा पुलिस ने उसकी बहुत पूछताछ की तो उनके पिता और उनके कुछ साथी हैं, जो 3 साथी हैं मुख्यतः, उसमें से एक और साथी मिथिलेश था, उनको गिरफ्तार किया गया है, जो इनके शिवा साहू के अंडर में काम करते, जो लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि हम पैसा डबल करेंगे। ऐसे कहते कहते सैकड़ों लोग बलौदाबाजार, सारंगढ़ सहित आसपास के जितने भी जिले के लोग हैं उनको इन्होंने झांसे में लिया था पैसे डबल करने को लेकर। लेकिन पैसे डबल होते थे या नहीं, ये पुलिस के अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि शिवा साहू जो है इतने कम समय में इतनी बड़ी मुकाम और इतने बड़े, इतने करोड़पति, कई जगह जमीन और कई गाड़ियां देख सकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह के शिवा साहू पर आरोप था। वही पुलिस ने मामला गिरफ्तार करने के बाद जो शिवा साहू के पिता हैं उनको गिरफ्तार किया है। शिवा साहू की पत्थरबाजी पुलिस अभी कर रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और कई लग्जरी गाड़ी हम देख भी पा रहे हैं, तकरीबन कितने लोग और जुड़े हो सकते हैं? जैसा कि अभी जानकारी मिल पा रही है योगेश की, जो दोस्त हैं और जो पिता है उन्हें गिरफ्तार किया गया, और भी कुछ लोग शामिल हैं क्या इसमें? तो आप ये देखिए कि धोखाधड़ी के आरोप में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और अब बात धमतरी से बड़ी खबर की, जहां सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो कैद हुआ है, जहां तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलटी है और पिकअप में सवार 3 लोग घायल हुए। पिकअप की चपेट में आई स्कूटी। कोतवाली थाना क्षेत्र के राम सागर पारा की ये पूरी घटना है। और यहां पर आप देखेंगे वीडियो में कि एक तेज रफ्तार वाहन आता है, अनियंत्रित होकर पलट जाता है और तेज घिसटता हुआ 2 महिलाएं खड़ी उनकी तरफ आता है। हालांकि कोई गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई जनहानि हुई है, लेकिन
अगर कोई इनके ठीक सामने इस वाहन के सामने होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। धमतरी सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, बड़ी खबर। और इस दौरान अब आप देखेंगे भयंकर ये सड़क हादसा, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा पर केस दर्ज हुआ है और आज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जगदलपुर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लखमा ने शिकायत की थी, मंत्री केदार कश्यप ने की थी आयोग से शिकायत और उसके बाद आचार संहिता के दौरान पैसे बांटते हुए इनका वीडियो सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि ये प्रलोभन दे रहे हैं आम जनता को और इसके चलते काफी सियासत भी गरमाई हुई है और अब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां कवासी लखमा पर मामला दर्ज हुआ, चुनाव आयोग से लखमा की शिकायत की गई थी, मंत्री केदार कश्यप ने आयोग से शिकायत की थी, प्रलोभन देने का आरोप इन पर लगाया गया था, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था और इसके चलते मामला दर्ज हुआ। वहीं कवासी लखमा पर हुई एफआईआर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो भी कानून अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के विरुद्ध काम हुआ है तभी एफआईआर हुई है। देखिए ये परंपराएं उनकी पुरानी है, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं, ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है ये गलत है, नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। कवासी लखमा पर एफआईआर पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की साजिश है, कवासी लखमा बस्तर की आवाम का अंश है। जैसे उनका नाम घोषित हुआ बीजेपी बौखला गई। उन्होंने कहा बीजेपी स्तरहीन राजनीति पर उतर आई है, उनको उनके ही तरीके से जवाब दिया जाएगा। पार्टी का षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कवासी लखमा बस्तर के जमीनी नेता है, जन जन में उनकी पकड़ है, बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा में अपना अक्ष देखता है। जैसे ही कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में षड्यंत्र करना चालू किया है, उसी षड्यंत्र की परिणति है एफआईआर। और अब रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पर होली के दिन स्कूटी पर तीन लोग सवार होकर जा रहे थे। शहर के घड़ी चौक पर पुलिस चेकिंग से बचकर भाग रहे स्कूटी सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए, पुलिस ने इनका चालान काट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये देखिए तस्वीरें। तो चालान के चक्कर में युवक फंस गए और ये गिर गए यहां पर। होली के दिन स्कूटी पर तीन लोग सवार थे, शहर के घड़ी चौक पर पुलिस चेकिंग लगी हुई थी और पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करते हुए तीनों गिर गए, पुलिस ने इनका चालान काट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और ये देखिए तस्वीरें। तो सामने पुलिस खड़ी हुई है और आप इनकी हिम्मत देखिए, स्कूटी से भागने की कोशिश किए, फिसल गए, गिर गए और उसके बाद ये खड़े होते हैं और फिर भागने की कोशिश करते हैं। चालान के चक्कर में युवक फंस गए, हालांकि इनको चालान भरना पड़ा और जिस तरीके से इन्होंने भागने की कोशिश की ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और अब रायपुर से खबर, जहां पिटाई का वीडियो सामने आया है, सिक्योरिटी गार्ड पर कॉलोनी के लोगों से मारपीट करने का आरोप लगा है। बदमाश बुलाकर कॉलोनी वासियों की लात घूंसों से पिटाई की गई, मोबाइल फोन चोरी के शक में हुआ था विवाद। 10 से 12 बदमाशों ने कॉलोनी में घुसकर मारपीट की, बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की भी कोशिश की है। कॉलोनी के दूसरे कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, कई बच्चों को भी चोट आई है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और आप ये देखिए कि इस मारपीट में मासूम बच्चे भी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि इन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसको तोड़ दिया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई सबूत ना मिल पाए, लेकिन दूसरा एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये बदमाश कैद हो गए और ये पूरी घटना पूरी वारदात सामने है आपके। और अब बात बलौदा बाजार से खबर की, जहां घर के सामने खड़ी कार को हुड़दंगियों ने जला दिया, मंचल और हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस के गश्त पर भी अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। होलिका दहन के दिन मंचलों ने कार को आग के हवाले कर दिया था, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कार में पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखाई दिए युवक
और ये देखिए कार पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, आगे का हिस्सा जल चुका है, यहाँ तक कि कार में पेट्रोल डालकर जिस तरीके से आग लगाया गया उससे ये समझ में आता है कि कोई आपसी विवाद है, पुरानी रंजिश है जिसके चलते आपको आग लगाई गई है कार में। लेकिन आपको ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हुड़दंग और मन मौजी मस्ती में आकर इन लोगों ने इस कार को आग के हवाले कर दिया है। भारी नुकसान कार मालिक का और अब यहां से फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूरजपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे जहां बाइक और कार में भिड़ंत हो गई, बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। प्रतापपुर मार्ग के धर्मपुर की घटना सामने आई है, खड़गवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको सूरजपुर से जहां बाइक और कार में हुई भिड़ंत, बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हुई। प्रतापपुर मार्ग के धर्मपुर की घटना खड़गवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सूरजपुर से बड़ी खबर का जिक्र है जहां पड़ोसी ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से किया वार। होली मनाने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ, शराब के नशे में हुआ झगड़ा, आरोपी फरार हुआ, जांच में पुलिस जुट गई है। खबर सूरजपुर से है जहां पड़ोसी ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, धारदार हथियार से किया वार। होली मनाने के दौरान ये विवाद हुआ था, शराब के नशे में युवक का झगड़ा हुआ और आरोपी फरार हुआ है, जांच में पुलिस जुट गई है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हाथियों की जिन्होंने आतंक मचा के रखा है। जी हां, बलरामपुर में हाथी ने ग्रामीण को कुचला, होली मनाने गए ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया, ग्रामीण की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नरसिंहपुर में होली मनाने गया था ग्रामीण, दल से बिछड़े दंतैल हाथी ने हमला किया। और आप ये देखिए कि जो दल से बिछड़ा दंतैल हाथी वो पिछले एक हफ्ते से इलाके में घूम रहा है, डर का माहौल बना हुआ है। युवक दरअसल होली मनाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया, युवक की दर्दनाक मौत। वहीं बलरामपुर में हाथियों ने आतंक मचा रखा है, 10 हाथियों का दल है, क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया गया, खेत में कई एकड़ गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जब फसलों को रौंदते हुए हाथी नजर आ रहे हैं। बलरामपुर का पूरा वाक्य ये देखिए, देर रात की कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब खड़ी गेहूं की फसल को भी चट कर गए और काफी नुकसान भी पहुंचाया हाथियों ने, जो फसलें हैं उनको रौंद डाला गया, खराब कर दी फसलें किसानों की। वहीं कोरबा में हाथियों की दहशत की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हाथियों की ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, अलग अलग रेंज में 40 हाथियों का दल आसपास घूम रहा है, ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और ये देखिए कुछ हाथी जो कि ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं और ये हाथी इलाके में घूम रहे हैं, दंतैल हाथी हैं। कोरबा का पूरा मामला और अब ग्रामीण डर के साए में जीने के लिए मजबूर। और अब कांकेर से बड़ी खबर जहां कुएं में मिला युवती का शव, जहां हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुट गई है। अब ये युवती कौन है, कैसे इसका शव यहां पर आया है, ये आत्महत्या युवती ने की है या फिर कोई हत्या की गई है और इसे मारकर फेंक दिया गया है, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से जहां कुएं में मिला युवती का शव, हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुट गई है। और अब बिलासपुर से खबर, जहां पर एयर राइफल से हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया, जान से मारने के इरादे से हमला करने का आरोप लगा है। होली के दिन हुआ था विवाद और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, आरोपी से एयर राइफल जब्त कर ली गई, बटालियन का जवान बताया जा रहा आरोपी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से जहां पर एयर राइफल से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जान से मारने के इरादे से इसने हमला किया था। होली के दिन ये विवाद पूरा हुआ था जिस दौरान राइफल से हमला करने की बात, और अब आरोपी से एयर राइफल भी जब्त कर ली गई है, बटालियन का जवान यह आरोपी बताया जा रहा है। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां एसयूवी चढ़ाकर पार्षद की जान लेने की कोशिश की गई, पार्षद नीतीश यादव का साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है, पार्षद कार्यालय को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। होली मिलन के दौरान यह घटना हुई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, आरोपी की तलाश जारी है।
वहीं अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। तेज रफ्तार कार का कहर बरपा, कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और कुछ लोगों को भी रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, तीन लोगों की हालत काफी गंभीर बताई गई है। दुर्घटना के बाद कार चालक फरार हुआ। उदयपुर थाना क्षेत्र के पलका टावर के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर आप देखेंगे दो लोगों की दर्दनाक मौत, तीन की हालत काफी गंभीर। अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से। तो भाई अंबिकापुर से एक और बड़ा मामला, जहां थाने में जब्त बाइक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। जब्त बाइक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे एएसआई नेताम एएसआई लखनपुर थाने में तैनात हैं। जब्त बाइक के साथ ही एएसआई का वीडियो भी वायरल हुआ है। अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के मामले में इस बाइक को जब्त किया गया था। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, और आप ये देखिए कि जो एएसआई है वो खुद जब्त की हुई बाइक, जिसका इस्तेमाल अवैध अंग्रेजी शराब लाने ले जाने के लिए हो रहा था, उस बाइक का इस्तेमाल खुद एएसआई कर रहे हैं और ये वीडियो अब सामने आया है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां होली के रंग में पड़ा भंग। परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए, रंग लगाने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना जमकर हुआ कि एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए भी नजर आए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। कैमरा के सामने आइए, मिल जाएगा। वही दुर्ग में प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पाटन के खुड़मुड़ी गांव की ये पूरी घटना, पाटन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सवाल यह है कि आखिरकार ये प्रेमी जोड़ों ने फांसी लगाई है या फिर किसी भी तरीके से कोई हत्या की गई है और उसके बाद इनको लटका दिया गया है। तमाम ऐसे सवाल, क्योंकि कोई भी ना तो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, ना ही कोई इनसे संबंधित और कोई जानकारी लग पाई है। प्रेमी युगल हैं ये जानकारी जरूर मिली है और इन दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया फांसी का मामला समझ में आ रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही कोरबा के कोसाबाड़ी अस्पताल में जमकर विवाद हुआ। मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा में नाला रेलवे स्टेशन के पास बने कोल साइडिंग लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अनाज रैक पॉइंट की जगह में कोयला भंडारण हो रहा है और उससे यहां अनाज लाने और ले जाने में परेशानी हो रही है। आसपास के खेत और तालाब इससे प्रदूषित हो रहे हैं। शहर के लोग इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत समस्या है, धूल के कण आते हैं, कालापन है पूरे घर में, कालिख लगी हुई है छतों में, पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप सुबह जब नाक सिनकेंगे बच्चों का या अपना नाक साफ करेंगे तो पूरा काला हो जाता है। दो से ढाई घंटे में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, मतलब दो से ढाई घंटे में आपको जो धूल के अंदर कण जाते हैं उसे आपका दो चार पाँच महीने में, छः महीने में, साल भर में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। समस्या तो काफी आ सकती है। दुर्घटना की भी बहुत, बिल्कुल दुर्घटना की, बड़ी बड़ी ट्रेलर्स चलती हैं, शहर के अंदर से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, मुख्य हाईवे से चलना चाहिए। किसी का व्यापार बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका उपाय किया जा सकता है। नैला रेलवे स्टेशन की कुछ ही दूरी पर जहाँ अनाज की रेक पॉइंट बनी थी, उस पर अचानक से कोल साइडिंग रेक बना दिया गया है, जिससे शहर वासियों को काफी परेशानी होती है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है, बड़े बड़े जो हाईवे है वो फर्राटे भरते हैं, वो भी बिना कंडक्टर के, जिससे दुर्घटना लगातार होती रहती है। और यहाँ पर कोल साइडिंग होने के कारण आसपास के किसान को भी भारी समस्या होती है, शहर वासियों को भी सांस लेना दुभर हो गया है। कोल साइडिंग यानी समस्या का बड़ा अंबार कहा जा सकता है। यह कोल साइडिंग के आ जाने से आसपास के क्षेत्र में बीमारी, मधुमेह रोग, खांसी जैसे बड़ी बड़ी समस्या हो रही है, जिससे अब तक प्रशासन ने किसी तरह की सरोकार आम लोगों के लिए नहीं है और इस पर लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, लगातार दुर्घटना हो रही है। यहाँ कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इस कोल साइडिंग को हटाने का मांग किया है। देखने वाली यह बात होगी कि कब तक प्रशासन जागेगी या बड़ी दुर्घटना का इंतजार करेगी। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जांजगीर चांपा। रायपुर पुलिस लाइन में आज पुलिस कर्मियों ने जमकर होली मनाई। पुलिस